चक्कर से राजाराम मदान। आज जो प्रदर्शन किया गया, क्या मामला है? ये प्रदर्शन इसलिए किया गया संविदा सफाई कर्मचारियों का, जो सपा सरकार ने वेतन बढ़ाया था वो भाजपा सरकार ने कम कर दिया है। सातवें वेतन का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना था, परंतु संविदा कर्मचारियों को पहले दे दिया फिर काट दिया, उसके विरोध में ये है। और कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए धरना प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग है संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दिया जाए, उन्हें लाभ दिया, और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वेतन है वो अकाउंट पे हो, क्योंकि कर्मचारियों को 9,500 देने का शासनादेश है, परंतु नगर पालिकाओं में 3,500 रुपये दिया जा रहा है। मुख्य रूप से नगीना नगर पालिकाओं में बहुत भ्रष्टाचार है, वहाँ पर प्रतिनिधियों को दबाया जा रहा है। मैं इस आपके चैनल से उनको चेतावनी देता हूँ कि उनका दमन चक्र नहीं होने दिया जाएगा, उनको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर अभी भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या होगा? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो पहले हम यह कर्मी कंसर्न करेंगे, तब भी समाधान नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, तब भी समाधान नहीं होता है तो नगर पूरे जनपद की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे।